दोस्तों, मेरे टैमरिंड को लगभग 4 महीने हो चुके हैं और आप लोग जैसे कि देख रहे हो, अब ये अभी भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। तो हम लोग इसमें वायरिंग करके इसको कैस्केड स्टाइल में बनाने की कोशिश करेंगे, और जो पीछे की तरफ ब्रांच गई है उसको भी हम लोग वायर से मोड़ेंगे इसको ऐसे। तो चलो करते हैं इसकी वायरिंग। दोस्तों, हम लोग प्लांट में वायरिंग करने से पहले उसको उसकी रूट्स के पास गड़ा देंगे अच्छे से। उसके बाद हम लोग उसे प्लांट के चारों ओर वायरिंग करेंगे। एक हाथ से वायर को मोड़ना है और दूसरे हाथ से प्लांट को सपोर्ट करना है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो। तो हम लोग इसी तरह से वायरिंग करते जाएंगे आखिरी तक, और प्लांट को बिना नुकसान पहुँचाए इस पर वायरिंग करना है हम लोग को, क्योंकि प्लांट अभी बहुत डेलिकेट है। इस तरह से वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो को लंबा ना हो सके इसलिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ। दोस्तों, बोनसाई की हॉबी एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस वाली हॉबी है, जो कि इसमें बहुत टाइम लगता है बोनसाई बनने में, लगभग 3 से 4 साल बन जाते हैं, और इस तरह के वीडियो लाने में कोई बनाता नहीं है जनरली। मैं आपको इसको अपडेट के साथ बना रहा हूँ इसलिए बहुत टाइम लग रहा है। तो दोस्तों, एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों, ये जो इसकी पीछे तरफ की जो ब्रांच गई थी उसको भी हम लोग वायर से मोड़ देंगे। धीरे धीरे करना है दोस्तों, इसमें वायरिंग में हम लोग जल्दी जल्दी नहीं करना है। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ इसलिए आपको बहुत जल्दी लग रहा होगा, मगर ये वीडियो मैंने धीरे धीरे किया है। इसमें लगभग 10 मिनट लग गए मुझे। तो आप टाइम लीजिए अपना पूरा, और इसको धीरे धीरे प्रोसेस को कीजिए, वायरिंग की जो प्रोसेस है उसको, ताकि प्लांट में कोई नुकसान मत पहुँचे। और ये अभी हम लोग इसको मोड़ देते हैं, जैसे कि ऐसे लगेगा कि नेचुरल जो पेड़ खड़ा है। दोस्तों, जो नेचर में पेड़ होते हैं वो उनकी शाखाएं जो होती हैं वो मुड़ी हुई होती हैं और अपने भार के कारण नीचे झुकी हुई होती हैं, उसी तरह से हम लोग इसको दिखाना है। तो कैस्केड स्टाइल में हम लोग को नीचे की तरफ ग्रो करनी पड़ती है, ब्रांचेस जो होती हैं, मेन एपेक्स जो होता है नीचे की तरफ ग्रो करना होता है। इसलिए इसको मैं धागे की मदद से थोड़ा और बेंडिंग करने की कोशिश करूँगा, जो कि वायरिंग से नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं इस पर धागे का यूज़ कर रहा हूँ। तो हम लोग वायरिंग कर दिए इसमें दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। तो इसकी अपडेट मैं आपको दूंगा 6 महीने बाद, कैसा आता है इसका रिज़ल्ट। हमने वायर कर दिया यहाँ से, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, इसको कैस्केड स्टाइल बनाने के लिए वायर किए हैं, और यहाँ से रस्सी बांधे हैं इसको नीचे की तरफ मूव करें ताकि। तो ये थी दोस्तों वीडियो, कैस्केड स्टाइल बोनसाई कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर। हमारी अगली वीडियो आने वाली है किचन वेस्ट कंपोस्ट हम लोग घर पे कैसे बना सकते हैं। तो उसकी अपडेट पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ तक देख लिया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।